आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही कुरान की आयत कैसे आती है? तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी तो वही आने की हालत घंटी की टन टन की तरह होती है और यह हालत मुझ पर बहुत भारी गुजरती है। फिर जब फरिश्ते का पैगाम मुझे याद हो जाता है तो ये बंद हो जाती है, और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे बात करता है और जो कुछ वह कहता है मैं उससे महफूज याद कर लेता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वही आती तो उसके बंद होने पर आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था। सही बुखारी 2 तफसील। आपके पास वही किस हालत में आती है? इस सवाल में 3 चीजें आती हैं। 1 नफ्से वही की हालत, 2 वही को लाने वाले हजरत जिब्राइल की हालत, 3 खुद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत। जवाब में इन तीनों चीज़ों की वजाहत है। हदीस में वही की 2 सूरतों को बयान किया गया है जो आम तौर पर आपको पेश आती थीं। इसके अलावा कभी ख्वाब की शक्ल में, कभी हजरत जिब्राइल के अपनी असली सूरत में आने से, और कभी अल्लाह ताला के खुद बात करने से भी वही का सबूत मिलता है। अनुल बारी 38।